हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद जीशान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर जीशान ए डॉट एस पर। दोस्तों आज मैं बात करूंगा माजून जलाली के बारे में। इस टॉपिक पर मेरी बहुत पहले एक वीडियो थी, किसी कारण की वजह से मुझे उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा था और कई लोगों की फरमाइश भी आ चुकी है इस दौरान कि आपने माजून जलाली की वीडियो क्यों डिलीट कर दी या आप उस वीडियो को दोबारा बनाएं। तो सोचा आज इस वीडियो का मैं दोबारा बनाता हूं और इसके आज मैं आपको फंक्शन बताऊंगा, क्या क्या फायदे हैं माजून जलाली के और इसको इसमें कौन कौन सी दवाएं शामिल की गई हैं, कितनी डोज है, इसकी मिकदार खुराक क्या है और इसको कौन इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ में ये भी बताऊंगा दोस्तों कि ये कौन कौन सी कंपनी का बनाया जाए, तो कौन कौन सी कंपनी इसको बनाती है और कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और पहले देख करके आप फायदा उठा लें। अब बात करते हैं हम माजून जलाली की। देखिए दोस्तों, माजून जलाली जो है ये एक क्लासिकल मेडिसिन है। क्लासिकल मेडिसिन का मतलब होता है कि ऐसी मेडिसिन जिसको बहुत सारी कंपनियां या कोई भी कंपनी बना सकती है जब वो रजिस्टर्ड हो जाए, तो वो क्लासिकल मेडिसिन होती है और जिसमें नुस्खा लगभग सबका एक जैसा होता है, नाम भी एक जैसा, बस कंपनी कोई भी बना सकती है उसको। ये क्लासिकल होती है और ये भी शुरू में बताता चलूं कि ये यूनानी मेडिसिन है और आप इसको यूनानी, आयुर्वेद या हमदर्द मेडिकल स्टोर पर आसानी से खरीद भी सकते हैं। कॉन्टेक्ट करके आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, हमारे पास भी भेजाने की सुविधा उपलब्ध है। अब बात करेंगे हम दोस्तों इसके फंक्शन की, फंक्शन के बाद में इसके इस्तेमाल की भी साथ साथ बात करते चलेंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो पहला फंक्शन है और खास फंक्शन भी कह सकते हैं, मुकव्वी आजाए रईसा, ये यूनानी टर्मोलॉजी है, इसको इंग्लिश में कहें कि वाइटल ऑर्गन को ताकत देने वाली दवा, यानी कि टॉनिक फॉर वाइटल ऑर्गन, ऐसे भी कह सकते हैं। अब वाइटल ऑर्गन क्या होता है ये भी जानना थोड़ा सा जरूरी है, वीडियो बड़ी जरूर होगी लेकिन पूरी जानकारी देना जरूरी होता है। वाइटल ऑर्गन या आजाए रईसा जो दोस्तों हमारे दिल, दिमाग, लीवर और टेस्टिस होते हैं, ये आजाए रईसा या वाइटल ऑर्गन कहते हैं जो इंसान को जिंदा रहने और उसको नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ने के लिए इन चारों चीजों का होना जरूरी है। तो उन इन चारों चीजों को, यानी कि वाइटल ऑर्गन को ताकत देती है। जिन लोगों के लीवर, दिमाग, दिल और टेस्टिस कमजोर हो चुके हैं उन लोगों के लिए माजून जलाली बहुत ही बेहतर और शानदार दवा है। उसके बाद में दोस्तों ये एपिटाइजर भी है। एपिटाइजर का मतलब होता है मुश्तही, उर्दू में बोलते हैं इसको मुश्तही, इसका मतलब जिन लोगों में भूख नहीं लगती है या खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, मन नहीं करता, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा मुफीद है। उसके बाद में दोस्तों इसका एक और खास फंक्शन है, वो है मुकव्वी बा, सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए भी इस माजून का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों में मर्दाना कुव्वत कम हो चुकी है या किसी वजह से पहले से कम है या बाद में कम हो गई है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें, उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। उसके बाद में दोस्तों ये मुकव्वी गुर्दा भी है, यानी कि किडनी टॉनिक, रीनल टॉनिक भी कह सकते हैं, यानी कि जिन लोगों के गुर्दा कमजोर है, क्योंकि मर्दाना कुव्वत जिन लोगों की कमजोर होती है तो कहीं ना कहीं उसका गुर्दे से असर जरूर होता है, तो जिन लोगों का गुर्दा मतलब किडनी जो कमजोर है उसकी वजह से तरह तरह की परेशानियां आती हैं, तो वो लोग भी इसका इस माजून का इस्तेमाल करें, उन लोगों के लिए भी ये माजून बहुत ज्यादा मुफीद है। उसके बाद में दोस्तों इसका एक फंक्शन और है, मौलदे मनी। मौलदे मनी का मतलब होता है मनी को पैदा करने वाली। जिन लोगों के मनी कम बनती है या मनी बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो ये माजून जो है मनी को पैदा करता है, बढ़ाता है। उसके बाद में ये मुकव्वी मैदा भी है, यानी कि स्टोमक टॉनिक। जिन लोगों का स्टोमक कमजोर है ना, वो लोग भी, स्टोमक का मतलब मैदा, जिन लोगों का कमजोर है जिसकी वजह से हाजमे की शिकायत हो सकती है या और भी तरह तरह की बीमारी हो सकती है, तो वो लोग भी इस माजून का इस्तेमाल करें, उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। इसका एक और खास फंक्शन है और आखिरी फंक्शन भी कह सकता हूं मैं, मुकव्वी आसाब। मुकव्वी आसाब का मतलब होता है नर्व टॉनिक। जिन लोगों के नर्व, या जो आम जबान में लोग नसें जिसे कहते हैं, नसें कमजोर हैं या नर्व कमजोर हैं, वो लोग भी इस माजून का इस्तेमाल करें,
क्योंकि जो मर्दाना कुव्वत होती है वो सारा नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है, और जिन लोगों का नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है तो कहीं ना कहीं मर्दाना कुव्वत पर इसका बहुत असर पड़ता है। तो ये दोनों चीजों को बढ़ाने का काम करता है। तो ये तो हुई दोस्तों इसके फंक्शन की बात और इसके इस्तेमाल की बात, कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या क्या फंक्शन है। अब दोस्तों इसकी बात करें हम इसकी डोज या मिकदार खुराक की, कितने ग्राम हम इसको कब ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो इसकी डोज जो है वो 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को 250 ml दूध के साथ। याद रहे मेल के लिए है ये, फीमेल के लिए बिल्कुल नहीं है। और जिन लोगों में शुगर या डायबिटीज की शिकायत है वो लोग डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर शक्कर और शहद का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उन लोगों को नुकसान दे सकती है। और जो लोग वैसे भी इस्तेमाल करना चाहें तो डायरेक्ट इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हमारी बताई हुई दवा को डायरेक्ट कभी भी इस्तेमाल ना करें, या किसी की भी इस तरह से यूट्यूब पर या कहीं भी बताई हुई दवा को डायरेक्ट कभी भी इस्तेमाल ना करें। क्या पता आपकी मिजाजी कंडीशन क्या है, मिजाज क्या है और ये दवा किस मिजाज के अकॉर्डिंग है। तो बेहतर है कि आप डॉक्टर से, अपने नजदीकी डॉक्टर से मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। या मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप हमसे भी व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके या कमेंट्स बॉक्स में कॉन्टेक्ट करके आप हमें अपनी परेशानी बताने के बाद ही इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी हो भी सकती है। तो ये तो हुई इसके फायदे और डोज की बात। अब अगर बात करें कि इसमें कौन कौन सी दवाएं शामिल की गई हैं और इसको कैसे बनाया जाता है, ये भी जानना जरूरी होता है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी दवाएं शामिल की गई हैं, मैं उन दवाओं का सिर्फ नाम लूंगा और लिस्ट है बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, उसको देख करके बताना पड़ेगा। और इसको कैसे बनाते हैं वो चीज मैं आपको किसी दिन वीडियो में जब बनाएंगे हम ये मेडिसिन, क्योंकि हम मेडिसिन बना करके भी दिखाते हैं आपको वीडियो में कहीं कहीं, तो वो चीज जब दिखाऊंगा। तो आइए अब इसके नुस्खे की बात करते हैं, अगर आप जरूरत पड़े आप घर पे क्या कर सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पोस्ट खशखास 50 ग्राम लिया है हमने, सालब मिश्री 40 ग्राम, इंदर जोशीरी, जायफल, मगज, सरकंज मुश्क, ये 30-30 ग्राम लिए। ये एक नुस्खा है, जरूरी नहीं है कि आप इतना ही लें। अगर आप चेंज करते हैं तो सबका आपको रेशो के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखें। अजवाइन खुरासानी, उष्णा, ऊद, संबलत तीप, तजकलमी, हब्बुल नील, दारचीनी, मस्तकी रोमी, ये 20-20 ग्राम लेते हैं हम। उसके बाद में पनीर माया, शत्र एराबी, ये 25-25 ग्राम, अंबर अशब 6 ग्राम लिया है, रोगन गाऊ, गाय का घी 5 ग्राम या 5 ml लिया है, जाफरान 12 ग्राम, हालांकि जाफरान इसमें बहुत ज्यादा दिए नुस्खे के अंदर, मेरे ख्याल से इतनी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में अर्के गाउजबा 500 ml लिया है, ये इसमें मिलाया जाता है, शहद 1 किलोग्राम और सोडियम बेंजोएट 2 ग्राम ली जाती है, सोडियम बेंजोएट मतलब नत्रून बंजारी, मुश्क भी लिए लेकिन इन्होंने 400 ml बताई है। ठीक है दोस्तों, ये तो इसका नुस्खे की बात हुई। अब अगर बात करें इसको बनाते कैसे हैं, तो देखिए बनाने का प्रोसेस तो मेरा मानना यह है कि हम जब आपको ये चीज बना करके दिखाएं तो ज्यादा बेहतर होगी। तो यहीं वीडियो को हम खत्म करते हैं, बना करके दिखाएंगे इसको किसी दिन। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी। अगर लगता है आपको कि मेरी वीडियो से आपको फायदा होता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को शेयर भी करें, दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं। सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को अभी तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।